सबसे पहले जो फिल्म आपने बनाई ताहिरा उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। उसको लगता है कि बहुत कोई मंझा हुआ डायरेक्टर है जिसको इतनी डिटेलिंग में पता है कि अगर स्कूल की बच्चियां हैं और वो ब्लू ड्रेस होता है चंडीगढ़ में इस तरह, अब दिल्ली भी चले जाइए तो जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू, थैंक यू। इतना सेंसिटिव मुद्दा ये आया कैसे जहन में कि यार इस मुद्दे को उठा के फिल्म बनानी? सो ये मेरे खुद की बचपन की एक घटना है। सो इट हैज़ हैपेंड विद मी। मेरा भी एक नानका होता था, मैं वहाँ जाती थी और मेरा भी मेरी ऐसी दोस्त थी। वो ज़माना था जहाँ पर यू डिडंट हैव सोशल मीडिया, यू डिडंट हैव गूगल और फेसबुक और ट्विटर। सो द ओनली वे ऑफ नोइंग अबाउट द वर्ल्ड वॉज थ्रू द आइज़ ऑफ योर फ्रेंड। एंड मैंने बहुत ज़िंदगी उसकी आंखों से भी देखी है और उसके घर में बैठ के उसके साथ मैंने टॉफ़ी भी लपेटी है, ताकि इसलिए नहीं ताकि उसको 100 रुपये मिले, पर इसलिए ताकि वो जल्दी से अपना काम ख़त्म कर सके और बाहर जाके हम कोई ना कोई गेम खेल सकें। तो जो मैंने इतना ब्यूटीफुल मोमेंट्स उसके साथ जिए हैं, आई वॉन्ट टू ब्रिंग दैट फोर्थ। एंड उस वक्त ऐसा इंसिडेंट हुआ था उसके साथ, चाइल्ड ब्राइड की जब हमने बात की है, तो उस वक्त सिर्फ मुझे इतना अफसोस हुआ था दैट आई हैव लॉस्ट अ फ्रेंड। पर अब जब बड़ी हुई हूँ तो रियलाइज़ हुआ है दैट आई हैव लॉस्ट नॉट ओनली अ फ्रेंड बट इट्स अ सोशल कॉज एंड एन इशू ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड वी नीड टू एड्रेस इट। इफ अ चाइल्ड इज लेट बी अ चाइल्ड तो वो ऐसी खूबसूरत मोमेंट्स जी सकता है। सो एंड दिस इशू इज़ सो प्रेवलेंट नाउ कि आज भी हम देखते हैं दैट देयर आर चाइल्ड ब्राइड्स एंड चाइल्ड मैरिजेस हैपनिंग। सो आई थिंक इज़ द नीड ऑफ द आवर एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आवर मूवी केम अलॉन्ग विद द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। तो सब कुछ ही बोल दिया मैंने एक ही बारे में, आपके जितने क्वेश्चन अभी आने के आगे मैंने एक ही बारे में सब कुछ खत्म कर दिया। ओके यार, प्लीज साइलेंस। मुकेश भाई सबसे ज़्यादा भूले मुकेश भाई रहे। अश्वन, एक इस तरह का एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा लेके आना, और माइंड भी एम रिपीटिंग मैसेल ताहिरा व्हाट यू हैव डन इज एक्सीलेंट एक्सीलेंट, माइंड कोई लगता ही नहीं है किसी नए डायरेक्टर का चीज है। आप स्क्रीन प्ले देख लें, अश्वन व्हाट वाज योर रिएक्शन और व्हाट वाज हाउ यू रिएक्टेड व्हेन शी डायरेक्टेड यू दिस इज शी वांट टू डू इट? अब हम बचपन से साथ में हैं और हम एक साथ हमने थिएटर किया है। पहले एज अ कम्पिटिटर हम डिबेट्स डिक्लेमेशंस में हिस्सा लेते थे, अलग अलग कॉलेजेस में थे। फिर हमने एक साथ एक थिएटर ग्रुप बनाया था मंचतंत्र, और उसमें भी इसने स्क्रिप्ट लिखी हैं, उसने प्लेस डायरेक्ट किए हैं। 2 साल पहले एक प्ले इन्होंने डायरेक्ट किया था, दिल्ली और चंडीगढ़ में हुआ था। सो आई गेस ये शुरू से था, पता था कि ये स्क्रिप्ट लिखेंगी और डायरेक्ट करेंगी। सो आई एम ग्लैड कि ये हुआ टॉफी के जरिए, शॉर्ट फिल्म के जरिए। और होता है कि एज एन एक्टर ऑल्सो मैं वही चीज़ करता हूँ जो मुझे एक्साइट करती है, और ये भी मैं तभी किया अगर ये मुझे एक्साइट की, क्योंकि मेरी फिल्में भी होती हैं सोशली रेलिवेंट होती हैं, चाहे वो दम लगा के हिशा हो, विकी डोनर हो, शुभ मंगल साधन, उसमें मैसेज है एक। इस फिल्म में भी यही है, एक एक्सटेंशन है मेरी फिल्मों की। एक शॉर्ट फिल्म जो ये है, चाइल्ड मैरिज की बात की है हमने, एक अलग मुद्दों को भी धीरे धीरे छेड़ा है सब टेक्स्ट में, जैसे एक फेयरनेस की बात हुई है इस फिल्म के अंदर, या चाइल्ड लेबर की बात हुई है विदाउट अंडरलाइनिंग इट। इसको बस छेड़ते हुए हम आगे गए हैं, लेकिन मेन मुद्दा है चाइल्ड मैरिज और इन दो लड़कियों की कहानी है जो अलग अलग तबके से बिलोंग करती हैं, उनके अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं, उनकी ट्यूनिंग क्या है आपस में, 10-year-olds की एक इनोसेंस है इसके अंदर। सो जब मैंने पढ़ी थी या सुनी थी इनसे, तो आई वॉज वेरी ग्लैड कि ये बननी ही चाहिए। ओके, क्या फिल्मों को फेस्टिवल की तरफ रुख करना चाहिए, और क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव और सोशल मैसेज फिल्म कैरी कर रही है, कहाँ कहाँ फिल्म को ले जा रहे हैं आप, और क्या कोशिश है, क्योंकि कमर्शियल एस्पेक्ट तो शायद कुछ हो ना इसका। ऑफकोर्स शॉर्ट फिल्म, आप शॉर्ट फिल्म इज़ अ पैशन प्रोजेक्ट। आप शॉर्ट फिल्म ये बनाते हैं ताकि लोगों तक कुछ बात पहुँचे, एक कम समय में क्या बताना चाहते हैं वो एक शॉर्ट फिल्म है। ऑफकोर्स शॉर्ट फिल्म का मेन मुद्दा ये है कि आप फेस्टिवल्स में भेज सकते हैं। हमने 3 फेस्टिवल्स में हो रही है, एक सिनेकिड फिल्म फेस्टिवल है एम्स्टरडैम में, वहाँ पर सेलेक्ट हुई है, बहामास इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है वहाँ पर सेलेक्ट हुई है, और मामी में स्क्रीन हो रही है 14th को 11:30 PVR फिनिक्स मिल्स में। तो इसके जरिए आप लोगों तक पहुँच सकते हैं। ऑफकोर्स इट्स एवरी शॉर्ट फिल्म इज़ लाइक अ पैशन प्रोजेक्ट। ओके, किसी खास शख्सियत को दिखाना चाहेंगे, और मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हैं तो आपका दिल किया और आपने फिल्म बना दी, ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे ट्रॉफी को देखने के बाद, क्योंकि मेरे पास वो लिबर्टी है और मेरे पास वो चीज़ें ऐसे हैं और मैंने कर लिया। इट इज़ वेरी इट्स अ वेरी थॉटफुल फिल्म, तो किन लोगों को दिखाना चाहेंगे और इस बात से कितने संतुष्ट हैं कि हाँ यार मैंने कुछ मीनिंगफुल बनाया? ऐसे नहीं कि बस अमूमन लोगों ने बहुत अच्छा बनाया, जबकि वो खुद भी मानते हैं कि अरे पता नहीं क्या बनाया। आई थिंक सबसे मुश्किल और सबसे ज़रूरी चीज़ इस इंडस्ट्री में है क्रेडिबिलिटी। आपकी क्रेडिबिलिटी है वो कॉमर्स से भी ऊपर है,
अगर आपको क्रेडिबल माना जाता है एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, तो आई गेस वो ज़्यादा मायने रखता है. फिलहाल मामी में स्क्रीन की जाएगी और सुबह 11:30 का टाइम है, तो मुझे लगता नहीं मेरे दोस्त या एक्टर्स सुबह 11:30 बजे फिनिक्स मिल्स दूर इतने आ पाएंगे, तो उनके लिए सेपरेट. लेकिन हाँ, हम चाहते हैं वो आए, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चे ये फिल्म देखें. हम चाहते हैं छोटे बच्चे जो स्पेशली टीनेजर्स हैं, अर्बन किड्स होंगे यहाँ के, जो देख सके कि हमारे नॉर्मल मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में क्या हो रहा है. इस फिल्म में स्टैट्स भी दिए गए हैं कि 47% ब्राइड्स इंडिया में बिलो 18 होती हैं, जो शायद हमारे अर्बन किड्स को नहीं पता है, तो वो शायद उनसे उनका तारुफ होगा. और दूसरी बात, उनके लिए सेपरेट स्क्रीनिंग होगी जो मेरे सेलेब फ्रेंड्स हैं आफ्टर मामी, क्योंकि मामी पे पहली स्क्रीनिंग वहीं होनी चाहिए, दैट्स द रूल ऑल्सो. तो आई थिंक उनके लिए सेपरेट स्क्रीन रखी जाएगी. मुकेश छाबड़ा भी यहाँ पर नहीं है, वो लद्दाख गए हुए हैं, तो उनको वापस आने दीजिए, उनके बाद एक सेपरेट स्क्रीन सबके लिए रखी जाएगी. ओके, इसमें उसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्या इन फ्यूचर यू नो ताहिरा के साथ एक कमर्शियल सिनेमा भी करना चाहेंगे, बिकॉज यू आर द वन हू इज प्रेजेंटिंग द फिल्म. इज देयर एनीथिंग इज देयर इन द पाइपलाइन, यू नो फॉर एग्जांपल जॉन अब्राहम हु इज द फुल टाइम प्रोड्यूसर, देयर सो मेनी अदर टाइम प्रोड्यूसर, एंड यू आल्सो कमिंग द शॉर्ट फिल्म, दो देयर इज नो कमर्शियल एस्पेक्ट, बट स्टिल. हाँ, ऐसा ही है कि आई हैव अ क्रिएटिव माइंड, तो मेरा प्रोडक्शन सेंसिबिलिटीज इतनी नहीं है. आई एम ग्लैड वी वर फ्लैंक विद पीपल लाइक मुकेश छाबड़ा एंड अजय राय, जो प्रोडक्शन में ज़्यादा माहिर हैं. मुकेश छाबड़ा कास्टिंग में ज़्यादा माहिर है, क्रिएटिव माइंड उनका भी है. तो आई डोंट नो, आई बी सपोर्टिंग फिल्म विच आई कनेक्ट टू, या फिर मैं जिससे कनेक्ट कर पाऊँ, जिसको मैं बता सकूँ कि शायद ये सामने आनी चाहिए. सो प्रॉब्ली दैट विल हैपन. एंड एज फार एज ताहिरा इज कंसर्न, उन्होंने लिखी हैं, कुछ फीचर्स भी लिखी हैं, अब कई बातें चल भी रही हैं फीचर्स की, लेट्स सी हाउ इट गोज. I should deserve to direct him. He is my senior right now. So I need to earn my respect. So I am taking baby steps. I am taking small steps. I made Toffee and I want to do some the kind of cinema which is made from directly from my heart and it is meaningful. Not to say ke jo masala movies hoti hain wo entertaining nahi hoti. In fact, I am the biggest fan of such movies. Maza aata hai. Main bhi aisi movies banana chahti hu jo entertaining ho. And साथ में कुछ मीनिंगफुल भी हो. सो आई डू वॉन्ट टू डू, लेट्स सी वेयर माई जर्नी टेक्स मी. या अभी वही है, श्रीराम राघवन के साथ फिल्म है, 40% कम्प्लीट हो चुकी है. दिवाली के बाद बाकी फिल्म शूट होगी, क्योंकि मैं दो रिलीजेज में फंसा हुआ था. तब्बू मैम गोलबाल में थी, तो आई थिंक अब दिवाली के बाद फ्री होंगे, देन वी बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट गेट ऑफ श्रीराम राघवन फिल्म. और क्या बोलूँ यार, मैं म्यूजिशियन प्ले कर रहा हूँ, मैं म्यूजिशियन प्ले कर रहा हूँ उसके अंदर, और एक ब्लाइंड म्यूजिशियन प्ले कर रहा हूँ, तो काफ़ी चैलेंजिंग है. पियानिस्ट प्ले कर रहा हूँ पहली बार, और मैं इंस्ट्रूमेंट सीख रहा हूँ 4-4 घंटे लगाकर. एक ट्रेनर, एक कोच आते हैं मेरे घर पर, तो वो मुझे सिखाते हैं. सो इट्स मोर चैलेंजिंग यार, क्योंकि हाँ आई थिंक शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, और उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है. उनके जो उनकी आवाज़ में एक अजीब सी खनक है, और उनकी उनके एक्टिंग का अंदाज, उनका अपना एक स्टाइल है विच इज़ ग्रेट, और काफ़ी क्रेडिबल एक्टर हैं. एंड आई थिंक शी इज़ ब्यूटिफुल एंड शी इज़ अ ग्रेट एक्टर. ऑफकोर्स आई थिंक ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मेरे लिए होगा, प्लेइंग अ पियानिस्ट एंड ऑल्सो ब्लाइंड मैन, ऑल्सो डूइंग अ थ्रिलर एट द सेम टाइम, क्योंकि ये मेरे जॉनर से हट कर है. मैंने आज तक सिर्फ स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्में की हैं. 5 साल बाद मैं एक जॉनर शिफ्ट कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही रेडिकल है, बहुत ही डिफरेंट है. एंड मैं हमेशा से श्रीराम राघवन के साथ काम करना चाहता था, बट हमेशा से थ्रिलर करना चाहता था, और थ्रिलर करना चाहता था, श्रीराम राघवन के साथ करना चाहता था. एंड इट्स हैपनिंग, आई एम ग्लैड. I'm done.